बता दें आपको कि पिकअप गाड़ी जो होती है वो केवल सामान ढोने के लिए होती है, लेकिन लखनऊ ही नहीं पूरे सूबे में आपको ये सवारी ढोते हुए भी दिख जाएंगी। इन ओवरलोडेड गाड़ियों पर नियंत्रण की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होती है। लखनऊ में हुई घटना पर हमारे संवाददाता जब परिवहन मंत्री से उनकी प्रतिक्रिया लेने पहुंचे तो वो अपने दफ्तर से नदारद मिले। कहा यह भी जाता है कि परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मंत्रालय से ज्यादा संगठन के कामों में व्यस्त रहते हैं और इसी लापरवाही के परिणाम आज देखने को मिले हैं। नेशनल वॉइस के संवाददाता रजनीश पांडे ने इस पूरी बात का जायजा लिया, देखिए। लखनऊ में ऐसे ही पिकअप के नहर में गिर जाने से लगभग 29 लोग नहर में डूब गए थे। हालांकि 22 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 7 दो बच्चे हैं अभी भी उनकी तलाश जारी है। आप देख सकते हैं ऐसी ही पिकअप रही होगी और ऐसे ही सवारी उस पर बैठे होंगे। हालांकि माना जाता है कि जो ऐसी गाड़ियां होती है, जो पिकअप होते हैं, मालवाहक होते हैं, उनमें सवारियां नहीं बैठाई जाती। समय समय पर लखनऊ पुलिस द्वारा ट्रैफिक अभियान का ढिढोरा जरूर पीटा जाता है, लेकिन उसका परिणत यह होता है कि कुछ दिन बाद वो अभियान ठप हो जाता है और बच्चे डूब के, हालांकि अभी मरने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जितने समय से वो गाड़ी पिकअप नहर में डूबी हुई है, भगवान न करे कोई बड़ा हादसा हो, लेकिन अभी भी उन बच्चों की तलाश जारी है। हमारे साथ ड्राइवर खड़े हैं। ये बताइए आप लोग कि जिस तरीके से इस पर सवारियाँ बैठ जाती है जी सर, कहीं ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकती है? नहीं सर, जहाँ चौराहे पे होती है वहाँ रोकती है, कहीं भी नहीं रोकती, बाकी जगह कहीं नहीं रोकते नहीं, हैं नहीं रोकती है। इस पे सवारियाँ भी आप लोग लेके जाते हैं? सर मतलब जाती हैं तो सवारियाँ जाती भी, लेकिन कहीं जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस का अभियान चलता है, ट्रैफिक पुलिस का अभियान चलता है कि, और जैसे इस मालवाहक गाड़ी है इस पे मना किया जाता है कि इस पे लोग नहीं, आगे वाली सीट छोड़ के बाकी लोग, लोगों को आप लोग मना नहीं करते हैं? मना करते हैं सर, लेकिन अब सर गरीब आदमी है, कह रहे हैं पैसा नहीं मेरे पास है, अब चल रहे हैं सर मतलब कैसे लिए चलिए, तो क्या करें अब सर। लेकिन ट्रैफिक पुलिस आप लोगों को रोकती नहीं है, सामने से जाते हैं तो? नहीं नहीं, जब जैसे चौराहे पर कहीं होती है तो रोकती है, उन्हें वैसे नहीं रोकती है। यह है लखनऊ ट्रैफिक पुलिस का हाल, केवल इनका अभियान है जो चौराहे पर ही दिखता है। ड्राइवर का कहना है कि अगर चौराहे पर लोग देखते हैं तो हम लोग रोक देते हैं, बाकी इनका अपना तर्क है कि साहब वो लोग गरीब होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, इसलिए हम लोग पिकअप पर उनको लेके जाते हैं। सहयोगी सनोज के साथ रजनीश पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। तो बता दें कि राजधानी लखनऊ से सटे नगराम इलाके के पास ये हादसा हुआ है, जहां एक पिकअप इंदिरा नहर में गिरी है। नहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी ये मैदान है। और इसी बीच परिवहन मंत्री के दफ्तर का क्या नजारा है, आइए आपको दिखाते हैं।